गाधी राजा के पुत्र हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज, ये पहुंचे हैं दशरथ जी के पास श्री अयोध्या धाम। बक्सर का स्थान छोड़ के यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि जहाँ पर विश्वामित्र जी का आश्रम है, यहाँ जब जब वो कोई यज्ञ हवन करते हैं, मारीच सुबाहु ताड़िका, उस यज्ञ को विनष्ट कर देते हैं, पूरा ही नहीं होने देते। मुनिवर के मन में बात आई, सुना है भगवान धरती पर आ गए हैं, चलते हैं, भगवान को लाऊंगा, वो वही हमारा यज्ञ पूरा करेंगे। विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे, अयोध्या गए, दशरथ जी ने सत्कार किया। आपके घर में अगर कोई आ रहा है, उस आए हुए व्यक्ति को आप कहाँ ले जाकर बिठा रहे हैं, इस बात से ये सिद्ध होगा कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना खास है और उसके आने से आपको कितनी प्रसन्नता। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर, कोई मेहमान आता है, आप उसको अपने बेडरूम में लेके जाते हैं, बिठाते हैं, मतलब वो बहुत खास है। उससे थोड़ा हल्का वाला आता है तो अपने घर के बैठक में, हाँ यहाँ चाय पानी नाश्ता। और कोई आता है दुवरिये से लौटा देते हैं, और कोई आता है तो दरवाजे नहीं खोलते हैं। ये चीजें बता रही हैं कि जो आया है वो उसका आपके जीवन में स्थान क्या है। दशरथ जी ने कहाँ बिठाया, तो निज आसन, अपने अपने सिंहासन पर दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को बिठा दिया। इतने आनंद में है, दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, के ही कारण आगमन तुम्हारा। आपका आगमन कैसे हुआ है? कहू सो करते न लावूं वारा। जो कहिए करने में देर नहीं लगेगी, से वचन दे दिया। मैं कई बार प्रत्येक कथाओं में कहती हूँ, भैया जीवन में तीन सूत्र अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। क्या? जब आप बहुत खुश रहिए, यानी आनंद में रहिए, तो किसी से वादा मत करिए। खुशी खुशी में इंसान जैसे गाड़ी खरीदा, अब कोई दोस्त मित्र, अरे वाह भाई तुमने गाड़ी, अरे यार हमारी क्या, ये तुम्हारी ही है समझो, और जो ने दिन मांगने आ गया तो इतना बड़ा मुंह फूलता है। फिर आनंद में उत्तर वो वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, और दुख में निर्णय मत लीजिए। ये तीन चीजों का आप ख्याल रख लोगे, बड़े बड़े फसादों से आप बच जाओगे। दशरथ जी ने आनंद में भर कर कहा, आप कहिए, आपके कहने में देर हो रही महाराज, हमारे करने में देर थोड़ी ना होगी। विश्वामित्र जी को लगा, अब तो महाराज खुद ही कह रहे, मांग लो, चलो मांग लेता हूँ। महाराज असुरे समूह सतावही मोही, इसलिए मैं जाचन इसीलिए आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या चाहिए महाराज, आज्ञा करिए, सब दूंगा। मुनिवर ने कहा, सब नहीं चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथ। छुटके वाले के साथ अपने बड़ के पुत्र राम जी को हमें दे दो, उससे क्या होगा, निशिचर वध में मरेंगे और मैं सनाथ हो जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? विश्वामित्र जी। मुझे राम जी को दे दो राजन, मैं सनाथ हो जाऊंगा। इतना सुनते ही मुनिवर ने राम को मांगा। अब दशरथ जी पैरों में गिर गए, महाराज ई नहीं, बोला आपने अभी अभी कहा है, मांग लो, मैंने मांग लिया। अब दशरथ जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हाथ जोड़े सर के बाबा, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ सरकार, प्रार्थना सुन लो, कैसे जीवित रहूंगा, कितने इंतजार के बाद तो मुझे ये पुत्र मिले हैं और महाराज आपने मांग लिया। मुझे लगता है प्रभु, मांगा तो आपने, विचार करके नहीं मांगा,
क्योंकि अगर आप विचार लेते मांगने से पहले तो आप ये नहीं मांगते जो आपने मुझसे मांगा है। हे मुनिवर, अरे चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे उ विचारी, विप्र वचन नहीं कहे उ विचारी, सब सुत सरकार। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, चारों बेटे मुझे मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, और महाराज उनमें भी आपने राम को मांगा, राम तो राम सरकार, आपने दो अक्षर का मेरा राम मुझसे मांगा है ना, इस दशरथ के जीवन में दो अक्षर की जितनी चीजें हैं सब ले लो। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, ये दो अक्षर के जितने हैं सब ले लो, इसके अलावा भी अगर महाराजा की इच्छा है तो देह छुनाही, दो अक्षर के प्राण चाहो तो मेरे प्राण भी ले लो, पर राम को नहीं दूंगा। प्राण दे सकता हूँ पर राम नहीं दे सकता। मन ही मन विश्वामित्र जी प्रसन्न हो रहे और बाहर से क्रोध का दिखावा कर रहे। क्यों? भीतर से प्रसन्न इसलिए हैं, दशरथ जी अब तक मैं सोच रहा था भगवान जंगल छोड़ के गृहस्थी के घर क्यों चले आए, मिलना तो बैरागियों को चाहिए, गृहस्थ के यहाँ कैसे आ गए। अब आपका प्रेम देखकर समझ गया कि भगवान हम जैसों को छोड़कर आपके घर क्यों आए। बाहर से क्रोध का अभिनय करते हुए कहते हैं, महाराज वचन दिया है नहीं दोगे? दशरथ जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा हमने एक भी बार नहीं कहा कि नहीं देंगे, हम तो बार बार कह रहे हैं, देते बन ही नहीं रहा है, कैसे दे दें? अब आप कहोगे फर्क क्या है, बिल्कुल फर्क है। कोई आपके घर आपकी मोटरसाइकिल मांगने आए और जैसे मांगने आए आपको, हाँ हाँ मांगिए क्या चाहिए, ओके अपनी भैया थोड़ी देर बाइक दे देते, थोड़ा बाजार जाना था, तो आप अरे 2 मिनट पहले आपने बताया नहीं, अभी अभी तो हम भी जा रहे थे दूसरी तरफ, अब जाते उधर तो छोड़ देते, 2 मिनट पहले आते तो हम कल का प्लान कर लेते। अब ई का चालाकी है, आदमी मना भी नहीं कर रहा है और दे भी नहीं रहा है।
दशरथ जी कह रहे देते बन ही नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इन राम जी पर मेरा अकेले का अधिकार होता तो दे देता। ये तो मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, मुनियों के धन है, जन के सर्वस्व है और भोले बाबा के प्राण है। इतने लोगों के हस्ताक्षर के बिना मैं कैसे इनको अपने एक बूते पर दे दूं कि हाँ हाँ ले जाइए, मेरे अकेले के तो नहीं ना, कैसे दे दूं। अब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा। क्यों देखा? आप संत हैं, साथ ही इनके गुरु हैं और जब तक गुरु कृपा ना करे तब तक जीवन में भगवान मिलने वाला नहीं है। कृपा करो आप। मन ही मन जो संकेत दिया अब विश्वामित्र जी की उस भावना को समझकर वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, लिखा है मानस में। बहुविधि का एक अर्थ होता है कि बहुत प्रकार से समझाया, पर एक संत कहा करते थे बहुविधि मतलब बहु लाने की विधि समझाई। महाराज आपका राम जाएगा अकेले पर आएगा बहु रानी के साथ। ये बहु वाली विधि जब समझ में आई अब दशरथ जी ने प्रसन्न चित्त होकर भेजा और क्या कहा? हे मुनिवर, आज से आप इनके पिता हैं, इनके विषय में कोई निर्णय लेना हो आपको विचारने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुनि पिता आन नहीं को, विदा किया। अब दोनों लाल जी के साथ विश्वामित्र जी चले। चलते चलते जब आगे पहुंचे ताटक वन पड़ा जहां पर ताड़िका रहती थी। जैसे ताड़िका दिखी क्रोध करके दौड़ी आक्रमण करने हेतु। लक्ष्मण भैया ने बाण निकाला। राम जी ने कहा लक्ष्मण बाण नीचे करो, ये अबला है और हम अबला पे बाण नहीं चलाते। विश्वामित्र जी ने कहा राघव जी ये अबला नहीं है, सबला है और उससे भी बड़ी ये भला है, तो इसको तुरंत मारिए। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पर दीना। एक बाण से उसका वध किया और उसका जो तेज था ताड़िका प्रभु के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में समाया। ताड़िका को गति दी, मेरे प्रभु ने आगे बढ़े। मुनिवर के आश्रम में पहुंचे। प्रातः काल यज्ञ प्रारंभ हुआ। मारीच सुबाहु आए यज्ञ विध्वंस करने के लिए। जब ये पहुंचे तो सुबाहु को प्रभु ने अग्नि बाण से जलाकर समाप्त किया। मारीच को बिना फर का बाण मारा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर। समुद्र के उस पार जाकर मारीच गिरा, क्योंकि मारीच का वध नहीं करना है अभी, उसका आगे एक बहुत बड़ा योगदान है इस लीला में। मारीच का वध नहीं किया। निशाचरों के समूहों का लखनलाल ने संहार किया। अब जाकर के विश्वामित्र जी ने अपने प्रभु को पहचाना। अभी तक ये था कि भगवान है, थोड़ा थोड़ा शंका में थे, 50-50 था, है नहीं है। प्रभु की कोई लीला देख लेते तो लगता है हैं, फिर कोई लीला देखते कहते भगवान ऐसा करेगा, पर आज जब ये लीला देखी समझ गए। उनके पास जो विद्याएं थी बला और अति बला नाम की, वो विश्वामित्र जी ने राघव जी को प्रदान की हैं।